ये भेजिए हैं फ्रेंड्स, आज पोहा बनाया जा रहा है मस्त। ये देखो पोहा भेगा धर दिया है, सूख जाएगा। हमें प्याज टमाटर काट दिया है, मिर्च मसाले मसाले ओरिगैनो वगैरह मिक्स कर दिया है। अलग अलग कलर दिख रहे हैं। ये भी वो थोड़ा सा जीरा जीरा डाल देंगे इसमें, आज थोड़ी मंदी कर देंगे। फिर वही जब ये थोड़ी देर में जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा ना, काला सा हो जाएगा, तो प्याज और मिर्च, जीरे के बाद मिर्च अपना डाल देते हैं। और जीरा भुन चुका है ना, प्रोटेक्शन के लिए इसको लगा लेंगे। अभी जल मारा है तो भयंकर है, बस हो गया। प्याज गिर दे, पहले प्याज डाल देते हैं, उसके बाद ठंडक होगा। ठंडक गुल इंतजार करिएगा पोहा का। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्याज में थोड़ा सा ये टमाटर भी पड़ गया। ये अपने प्याज ब्राउन कलर आने लग गए हैं। इनमें डाल देंगे टमाटर, प्याज का सही रंग हो गया ना पूरा पूरा, फिर टमाटर डाल दिए गए। अब इनको थोड़ी देर सेका जाएगा, प्याज ज़्यादा गिर जाता है। मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला हो गया, नमक, हल्दी और जितना ये सारा टोटल होगा उतना ही हो गया। छोंक अपना रेडी हो गया है, मसाला डाल दिया जाएगा। अभी मसाला ऐसे ऊपर डाल दें, सीक्रेट रेसिपी देखने में मस्त लग रहा है। पोहा डाल दिया जाए, अभी अब पोहे की बारी। मिक्स कर दो, प्लेट ढक के कई मिनट, दो मिनट चार मिनट कुछ भी नहीं करना, मिक्स करके बस बढ़िया पोहा मिक्स करना है, बस रेडी हो गया पोहा। शानदार पोहा बन रहा, मस्त खुशबू आ रहा, पर मिक्स नहीं हो गया ढंग का। दो चम्मच ले लो करने, ये लगन आ गया थोड़ी आंच कम रहा। नाइस इनपुट बाय कैमरा मैन, ठंडा के इनपुट भी कह दिया है ये, ठंडा के इनपुट बाय कैमरा मैन। हो गया बस, ओ आ रहे हैं भाई, नट क्रैकर मार दिए जाए इसके ऊपर से, और मिक्स मिक्स ठंडा कर दिया जाए। और वही है अपना दही पोहा रेडी है, एकदम मसालेदार टेस्टी। ओह।